यहाँ पे जो ये वाला पोस्टर है मैंने इसको भी वाइट किया। ये बेसिकली मैंने वो पोस्टर वाइट किया है जो थोड़े से हाईलाइट होते हैं। कैसी अपनी YouTube फैमिली, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे और मैं तो एकदम अल्टीमेट हूँ। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप थंबनेल और टाइटल देख के यहाँ पे आए हो, तो हाँ आज का वीडियो हमारा उस पर होने वाला है। सो आज मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, आज मैं अपनी बाइक के कुछ मॉडिफिकेशन और इसकी डिकैलिंग्स बोलो या ग्राफिक्स बोलो, वही समझ लो आप। मैंने जो अपनी बाइक में ऑल ओवर करवा रखा है आपको हल्का सा झलक दिखाता हूं मैं। तो ये खड़ी मेरी बाइक, तो आज हम अपनी बाइक के बारे में बताने वाले हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे इसलिए मैं अपनी बाइक के बारे में बता रहा हूँ आज, क्योंकि लोग क्या यार तू लोगों की बाइक के बारे में बता रहे हैं, मार्केटिंग कर रहा है, तो तेरी बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है वो भी तो बता। तो चलो आज हम अपनी बाइक की मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं और उसमें जो डिटेलिंग्स हो रखी है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक काम करो, छोटा सा सिनेमैटिक इन्जॉय करो, उसके बाद मैं अपनी बाइक का ऑल ओवर पूरा रिव्यू और मॉडिफिकेशन और जो भी डिटेलिंग्स मैंने करा रखी है, मतलब मैंने खुद कर रखी है, वो आपको बताता हूँ मैं। तो चलो फिर वीडियो चालू करते हैं। तो ये खड़ी हमारी आर एस हमारी आंखों के सामने, तो चालू करते हैं हम अपनी बाइक का ऑल ओवर रिव्यू। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अपनी बाइक के जो मिरर्स हैं, वो मैंने मिरर्स यहाँ पे लगा रखे हैं, क्योंकि आपको मालूम है गवर्नमेंट ने मिरर्स को कंपलसरी कर दिया कि अब मिरर्स नहीं होंगे तो चलान होगा। तो यहाँ के मिरर्स मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ की जगह मैंने मिरर्स यहाँ लगा दिए। खैर मुझे मालूम नहीं कि इसमें चलान है या नहीं है, बट मैंने यहाँ पर लगा दिया एज़ ए लुक। अगर आपको लगता है कि यार इसमें बैकग्राउंड ठीक से नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो सर्कल होता है इससे हम कर्व लेंस बोलते हैं वो भी लगा दिया, जिससे कि बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे सीट कवर की, जो कि आरएस में ओनली वन इन इंडिया है। अभी तक इंडिया में किसी ने भी आरएस का सीट कवर नहीं लगाया, जो कि मैंने लगवाया था, और इस ग्राफिक में तो किसी ने लगाया होगा ही, इस बात की मैं गारंटी आपको पूरी दे सकता हूँ। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपनी टेल लाइडी की। तो ये जो है ये टेल लाइडी मैंने लगाई नहीं है, ये अलग से मैंने खुद बना रखी है। यहाँ पर ये एनएस का जो टेल होता है उसको मैंने आधा कटवा के उसके साथ इसका जॉइंट करवा रखा है, जो कि एकदम पक्का जुगाड़ है और कहीं जाएगा भी नहीं। इससे यहाँ मेरे नाम की ब्रांडिंग हो रखी है। बीच वाली लाइन देख के तो मतलब सभी लोग बोलते हैं कि अर्नी भैया की जो हायाबुसा है, टर्बो एक्सट्रीम की हायाबुसा, उनकी तरह दिखती है हल्की हल्की। सो यहाँ पे तो मेरी नाम की ब्रांडिंग है, मैंने आपको जैसे बताया भी। और नीचे हमने यहाँ पे स्टिकर लगवाया एक रेसिंग जनरेशन का, और यहाँ पे हमने रेडियम से गोप्रो लिखवाया है, और इसके नीचे हमने 47 लिखवाया है। और यहाँ पर टायर के पास हमने फाल्किन लगाया, क्योंकि जो फाल्किन है ये टायर का ब्रांड है, बेसिकली ये ट्रैक पे यूज़ होता है, तो ये मैंने टायर के पास ही लगाया। लिखवाने को ये मैं कहीं भी लिखवा सकता हूँ पूरी बाइक में जगह जगह, मगर ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि टायर का ब्रांड है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मेरे अलॉय व्हील्स पे ब्रांडिंग हो रखी है RS 200 की। सॉरी माफ़ करना, मेरा जो अलॉय व्हील है काफ़ी, अलॉय व्हील क्या मतलब, मेरी बाइक थोड़ी सी गंदी हो रखी है क्योंकि मेरे एरिया में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एग्रोबॉबिक की। तो एग्रोबॉबिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरे पास एक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा हुआ था एग्रोबॉबिक का, जो कि चोरी हो गया है। तो आपने अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा जो मैंने स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाया था इसमें, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो मेरी आईडी में जाके, 2-3 वीडियोस नीचे ही होगा। तो यहाँ पर मैंने साइलेंसर लगाया था, वो चोरी हो गया था, तो चोरों का तो क्या ही कहना। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे BMW के लोगों की। यहाँ पे DDSI का ब्रांडिंग होता है, जो कि उसके ऊपर मैंने BMW का लोगो प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पर भी आपको मालूम है ब्लैक होता, तो यहाँ भी मैंने हल्का सा वाइट कर दिया। एक्चुअली मैं 5 मीटर की टेप लेके आया था, जो मैंने पूरी बाइक में जहाँ जहाँ मुझे देखा मैंने वहाँ वहाँ कर दिया, यहाँ पर भी मैंने टेप कर दिया। अब देखोगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आई, हल्की हल्की कटिंग कहीं ना कहीं आ रखी है, तो मतलब मैंने खुद ही किया तो इतना बहुत तो चलता ही है। उसके बाद मैंने हल्का सा वाइट मैंने यहाँ भी कर दिया, ताकि मेरी बाइक जो थोड़ी सी लोडेड लगे, और यही सेम प्रोसीजर मैंने इस साइड भी किया है। और मेन बात जो इसकी है, काफ़ी लोग ने मतलब काफ़ी लोगों की बाइक में ये हिस्सा जो है ये वाला पोस्चर ब्लैक होता है, तो ये मैंने रेड करके पूरा उसके ऊपर वाइट स्ट्रिप लगा के इसको रेडियम टेप से यहाँ पे आउटलाइनिंग दी है। तो आप देखो ये कितना ज़्यादा वो एट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, मतलब लग रहा है कि पूरी फेयरिंग ऊपर से नीचे तक ही है। वैसे तो वैल उसको फेयरिंग ही बोलते हैं, बट लेकिन जहाँ वो ब्लैक ब्लैक पोस्चर होता है वहाँ पर थोड़ा सा डलनेस आ जाती है। तो अब मैं तो इसको भी रेड करने वाला था, मगर मेरे पास इतना टाइम था नहीं उस समय। यहाँ पे हमने एक्रोबॉबिक लिखा है और यहाँ पे हमने SC प्रोजेक्ट। पहले तो लोग कन्फ्यूज है कि मेरी बाइक में एग्जॉस्ट है कौन सा, एक्रोबॉबिक क्या SC, तो साफ सी बात है मेरी बाइक में कोई एग्जॉस्ट है ही नहीं, तो ये बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे जो मैंने ये इतना ऐसा वाइट किया, तो आप अगर आगे से देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे विंग्स लगे हुए हैं। अगर नॉर्मली ये रेड होता तो ये नॉर्मल बाइक लगती है, बट यहाँ पे हल्का सा वाइट करने के बाद इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है,
और यहाँ पे जो ये वाला पोस्टर है मैंने इसको भी वाइट किया। ये बेसिकली मैंने वो पोस्टर वाइट किए हैं जो थोड़े से हाईलाइट होते हैं। अभी घर जाके आज की डेट में ही या कल मैं जो इसका ये वाला एरो ये भी वाइट कर दूंगा, जिससे कि आप खुद ही इमेजिन कर लो कि इसकी लुक कैसी आने वाली है। और मडगार्ड में मैंने यहाँ पे आगे कंटिन्यूसली स्ट्रिप आने दिए जो आती है, और उसके साथ साइड में मैंने यहाँ पे एक वाइट स्ट्रिप होल दे दिया, मतलब वाइट पोस्टर कर दिया। ये वाले साइड मैंने होल नहीं किया क्योंकि ये मडगार्ड खोलने की हमें कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो एक बात और करते हैं, ये नंबर प्लेट जो है ये हमने यहाँ पर लगा दी है क्योंकि बेसिकली ये लोगों के नंबर प्लेट यहाँ लगी होती है, फिर कुछ लोग यहाँ लगाते हैं। मेरी पहले यहाँ भी लगी हुई थी मगर वो थोड़ी सी ओवर लग रही थी, तो मैंने यही जो इसका स्टैंड होता है जो यहाँ लगा होता है वो स्टैंड मैंने उतार के यहाँ लगा दिया। तो अब आप इसकी लुक देखो कैसी आ रही है। और ये रिंग लाइट यहाँ की एक रिंग से सॉरी एंजल लाइट बोलते हैं, तो यहाँ की एंजल लाइट एक फ्यूज़ हो गई है, आपको दिखाता हूँ मैं चला के। ये देखो बाकी चल रही है एकदम ठीक। और बाकी मैंने इसमें नाइट लगा रखी है, अभी हाई बीम पे ये लो बीम पे करूँगा तो कुछ ऐसे लुक आएगी इसकी। तो यहाँ के जो एंजल लाइट फ्यूज़ होगी ये मैं आज ही लगाऊंगा जाके, क्योंकि एंजल लाइट मुझे बहुत प्यारी लगती है। रात का दम जब चलती है तो अल्टीमेट सा स्वाद सा आता है, तो ये भी मैं जाके इसका काम कराऊंगा। तो बाकी जो इसके इंडिकेटर है यहाँ मैंने फ्लैशर मॉड्यूल लगा रखा है यहाँ पे एक, इसमें अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अल्पाइन स्टार्स की ब्रांडिंग की, जो कि मैंने यहाँ पे लगवा रखी है। क्यों? क्योंकि जब मैं बाइक चलाता हूँ मेरी जैकेट भी अल्पाइन स्टार्स की है, तो जब मेरी जैकेट हो नीचे नज़र जाती है, जब उनकी ब्रांडिंग एकदम सेम होती है तो एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत अलग सा स्वाद आता है मुझे खुद को आता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीछे यहाँ इंडिकेटर्स की और बैकलाइट की। बहुत लोग कन्फ्यूज़ है कि बैकलाइट में हम कौन सी लाइट लगाया, तो बेसिकली ये 250 रुपये की छोटी सी चीज़, सस्ती भी चीज़ है और काम की चीज़ है। इससे लुक देखो कैसी आ रही बाइक की। अगर आप इंडिकेटर को बंद करोगे तो ये सिर्फ इतनी चलेगी और ब्रेक मारने में डार्क होगी। काफ़ी लोग का ये कंप्लेंट है कि इस लाइट के अंदर पानी चला जाता है तो इस ये लाइट जो है फ्यूज़ हो जाती है, तो हाँ ये कंप्लेंट सच है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। जब मैंने लाइट लगाई थी तो मैंने यहाँ पे भी फेविकिक की ड्रॉप्स लगाई थी और यहाँ पर भी फेविकिक की ड्रॉप्स लगाई थी, जिससे कि अंदर पानी जब से मैंने लिया तब से नहीं गया। 2 महीने हो गए मुझे इस लाइट को लगाए को और 2 महीने के अंदर आपको इसमें एक भी जो लाइट का बल्ब है वो फ्यूज़ नहीं दिख रहा होगा। उसका रीज़न जो कि मैंने दोनों साइड की पैकिंग एकदम स्ट्रॉन्ग कर दी थी। और जब भी आप बाइक लो एक एक ड्रॉप्स यहाँ भी डाल देगा इंडिकेटर में, क्योंकि पानी जाने का डर जो होता है, अगर पानी अंदर चला जाए तो काफ़ी गलत से लुक, मतलब बहुत गंदी से लुक आती है बाइक की। अब आप देखो मेरा इंडिकेटर कितना चमक रहा है एकदम, कहीं पे भी पानी का नाम नहीं है अंदर। सारे इंडिकेटर आप देख सकते हो बाहर से हल्के बहुत स्क्रैच होंगे मगर अंदर से एकदम क्लियर है, जो कि एक बाइक जितनी क्लियर हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेम स्लाइडर्स की, यहाँ पे जो हमने लगा रखे हैं। तो फ्रेम स्लाइडर बेसिकली लगाए जाते हैं आपकी जो बाइक की ऑल ओवर बॉडी है, ऑल ओवर क्या बोले, मतलब जो आगे से बॉडी होती है उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके, जो कि ये बात सच है। आप देखो मेरे यहाँ पे हल्के से स्क्रैच आ रखे हैं, इससे साफ प्रूफ हो रहा है कि मेरी बाइक गिरी हुई है एक बारी। और अगर आप उस साइड से देखो तो यहाँ पे ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है अभी तक, जो कि मेरी बाइक यहाँ की तरफ गिरी नहीं है अभी तक, तो ये एकदम सेफ है। तो ऐसे प्लास्टिक कवर उस साइड भी लगा था, जो कि मैं अगर कहूँ तो इस फ्रेम स्लाइडर ने अपना काम 100% किया है। आप देखो मेरी बाइक में कहीं पर भी कोई भी स्क्रैच नहीं आया, बॉडी में ऑल ओवर बॉडी में जो मेरी बाइक गिरी थी कहीं पर भी स्क्रैच नहीं आया। यहाँ पे हल्के हल्के आए थे तो मैंने ऊपर हल्का सा रैप कर दिया, तो दिख भी नहीं रहा कि कहाँ पे है स्क्रैच, देख लो। और अब मुझे इसका काफ़ी दुख लग रहा है, जो मेरा एग्जॉस्ट चोरी हो गया, तो अब चोरी हुई चीज़ वापस तो आ नहीं सकती है, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। तो आपको मेरी बाइक में जो जो भी दिख रहा है, मतलब जहाँ जहाँ भी दिख रहा है वो भी कम है। अभी तक मैं खुद काफ़ी चीज़ कवर नहीं कर पाया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने जितने जो ये बोल्ड लेटर्स होते हैं उनको मैंने ब्राइट किया था फ्लूट के साथ, उसका मैंने व्लॉग अभी तक डाला नहीं है और ना शायद मैं डाल पाऊंगा अभी, क्योंकि उसका वीडियो मैंने बनाया ही नहीं। तो अगर मेरी बाइक में कुछ रह भी गया वो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ सबसे बड़ी चीज़, आप सोच रहे हो कि RS 200 का टायर इतना ब्रॉड होता नहीं है, तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने अपने RS 200 में अलग सा टायर लगवाया था, जो कि 150.70 नंबर का है और इसमें बेसिकली 140.60 नंबर का आता है टायर। तो मैंने काफ़ी हाई प्रोफाइल टायर इसमें डलवा रखा है, जिससे कि इसकी लुक काफ़ी हैवी आ रही है और पीछे से देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है बाइक ये। सो बेसिकली आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो इसका साइलेंसर है वो क्यों उतार रखा है, ऐसा क्या थी मेरे अंदर चुल जो मैंने वो उतार के इसको वेल्ड करवा दिया। आपको मालूम था यहाँ जो मैंने स्लिप ऑन लगा था उसके लिए मैंने ये वेल्ड कराया। सो बेसिकली अगर आप इसको उतार भी दोगे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, शोक एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा होता है, तो अगर आप वो भी उतार दोगे तो बिल्कुल भी साउंड में फ़र्क नहीं आएगा, बस साउंड में थोड़ी सी हैवीनेस आएगी। तो वही हैवीनेस लाने के लिए मैंने
अपने जो साइलेंसर को उतार दिया था। वैसे तो मैं एक बाइक खोल लेने वाला हूँ, उसका भी व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, सो वो एक सरप्राइज़ है आपके लिए। तो सारे सरप्राइज़ मैं आज ही रिवील नहीं करूँगा, कुछ सरप्राइज़ मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा अभी। तो ये मेरा भाई एक और बाइक लेके आया अपने साथ, हाई कर दो भाई। भाई तेरा चैनल का नाम? सो इसके चैनल का नाम है रवनीत दुशांत, आप जाके इसकी आईडी विजिट करो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। उसने भी मेरी तरह हल्की बहुत मोटिवेशन करा रखी है, इसने भी मिरर्स लगाए जैसे मेरी बाइक में मिरर्स लगे, हम दोनों साझे लगवाए थे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यू बाइक लेके आ गए। और भी उसके अलावा कुछ इंटीरियर मॉडिफिकेशन से आप मक्खी हट जाए यहाँ से। तो मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशन इसके इंजन के साथ भी कर रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कैनन का फिल्टर लगा रखा है, वो वॉइस वाले नहीं होता, बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए मैंने वो फिल्टर इसमें लगा रखा है। अब आप बोलोगे आवाज़ सुना, तो आवाज़ आपको नॉर्मल आएगी, फिर भी आपकी डिमांडिंग खैर अभी याद तो नहीं, बट फिर भी मैं आवाज़ सुनाऊँगा आपको। आपको आवाज़ सुनकर मज़ा आया होगा वैसे। तो ये भी बताना कि वॉइस में इसकी हैवीनेस आई है कि नहीं आई। तो बाकी मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बाइक में क्या बताऊं, जितना बताना था उतना बता चुका हूं, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा उसको। तो सबसे पहले तो जाके मैं अपनी ये जो एंजल लाइट है इसको चालू करूँ। अब देखोगे ना हल्की हल्की चल रही है, ये इट मीन्स ये ख़राबी हो गई है। सो होपफुली आपने मेरी बाइक की सारी मॉडिफिकेशन देख लिया, और उसमें जितने मैंने डिकैलिंग्स मतलब फिर डिकैलिंग्स मेरे मुंह से निकलता है ग्राफिक्स जो मैंने कर रखी है आपने सभी देख लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, किसी चीज़ का प्राइस पूछना है, तो मेरा इंस्टाग्राम का डाइटल नीचे चल रहा है, आप जाओ इंस्टा पे फॉलो करना है या नहीं करना वो आपके हाथ में है, मगर आप डीएम कर सकते हो मुझे इजीली। अगर आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो फॉलो भी कर लेना भाई, बहुत थोड़ा सा मतलब लो रेंज में है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी, क्योंकि स्टार्टिंग किया ना मैंने। तो ये खड़ी मेरी बीस्ट, अब हम बाय बाय करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।